शुमाल मशरकी दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दावा किया है कि पूरी दिल्ली में आप पार्टी 4 और कांग्रेस 3 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, कई मकामात पर ईवीएम के काम न करने की शिकायत मिल रही है, उसके बावजूद भी आवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। जबरदस्त उत्साह है मतदान के पहले घंटे में ही। मुझे लगता है कि भारी संख्या में वोटिंग टर्नआउट है और ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। शुरुआती घंटों में कुछ शिकायतें थी, कहीं पे जो है मशीन स्लो चल रहा था, कहीं मशीन काम ही नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ECI जो है जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देगी और लोकतंत्र का यह महापर्व जो है उसमें भारी से भारी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। भाजपा वाले अभी भी क्लेम करते हैं कि 700 पार और कह रहे 300 सीटें जीत चुके हैं। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। सर कांग्रेस की 700 सीटें आ रही हैं दिल्ली में? कांग्रेस की नहीं, इंडिया अलायंस की आएगी। 4 आम आदमी पार्टी की आएगी, 3 कांग्रेस पार्टी की आएगी।